भारतीय बाजार में किफ़ायती एडवेंचर मोटरसाइकिल्स का सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी सेगमेंट पर टू व्हीलर कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं। जानी मानी कंपनियों की बात करें तो हीरो की एक्सपल्स पहले से ही मौजूद है और अब होंडा ने भी अपनी CV200X को इस सेगमेंट में उतार दिया है। तो आखिर इस बाइक में क्या नया है, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ये बाइक आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। होंडा CB200X होंडा हॉर्नेट 2.0 पर बेस्ड है, इसी वजह से इस बाइक में मिलने वाले काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपको हॉर्नेट वाले ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर हेडलाइट देखते हो, ये एक्स शेप हेडलाइट है, ये आपको हॉर्नेट वाली मिलती है। टेल लाइट भी आपको सेम हॉर्नेट वाली मिलती है। टायर्स साइज़ की बात करें तो वो भी आपको सेम हॉर्नेट वाला मिलता है, लेकिन टायर्स का जो पैटर्न है वो अलग है, डुअल पर्पज़ इसमें टायर्स मिलते हैं। और ये जो एलॉय व्हील्स आप देख रहे हो वाई शेप, ये भी सेम हॉर्नेट वाले ही मिलते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो एक गोल्डन अपसाइड डाउन फॉक्स मिलते हैं, ये भी सेम हॉर्नेट वाले ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो ये भी आपको सेम हॉर्नेट वाला ही मिलता है। लेकिन हाँ, एक यूनिक चीज़ जो कि इस बाइक को बिल्कुल अलग बनाती है वो है इसके नकल गार्ड पर दिए गए LED टर्न इंडिकेटर्स। एडवेंचर बाइक है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर एक वाइज़र मिल जाता है। फ्यूल टैंक पर आपको चाबी लगाने की जगह दी गई है। स्विचेस और टर्न इंडिकेटर्स और ये जो लाइट्स के बटन्स हैं ये भी आपको हॉर्नेट से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते दिखाई देंगे। इसके अलावा सीट्स की बात करें तो ये स्प्लिट सीटें हैं, दो हिस्सों में बटी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रही हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो ये सेम हॉर्नेट जितना ही 12 लीटर का है, लेकिन इसका जो शेप और साइज़ है वो थोड़ा सा अलग कंपनी ने करने की कोशिश की है। CB200X की लंबाई 2035 मिलीमीटर है, चौड़ाई 843 मिलीमीटर है, ऊंचाई 1248 मिलीमीटर है, व्हील बेस 1355 मिलीमीटर है, ग्राउंड क्लियरेंस 167 मिलीमीटर है और इसका वजन 147 किलोग्राम है। ब्रेक्स भी सेम हॉर्नेट 2.0 वाले ही मिलते हैं जो सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं। डायमंड टाइप फ्रेम मिलता है, फ्रंट में गोल्डन डाउन फ्रंट फॉक्स और रेयर में मोनोशॉक दिया है। लाइट्स भी सभी LED मिलती हैं, चाहे वो हेडलैम्प हो, टेल लाइट हो या फिर इंडिकेटर्स। इसके अलावा ऑफ रोडिंग लुक्स देने के लिए कंपनी ने अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट दिया है और साथ ही आप नीचे की तरफ अंडर काउल देख सकते हैं। CB200X में राइडिंग पोजीशन की बात करें तो आपको अपराइट राइडिंग पोजीशन मिल जाती है, स्ट्रेट फ्लैट हैंडल बार्स मिल जाते हैं और अगर आप सीट हाइट की बात करते हैं तो ये भी आपको 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है। तो छोटे राइडर्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होगी चलाने में। इंजन भी आपको हॉर्नेट 2.0 वाला ही मिल जाता है, 17.26 PS की आपको इसमें पावर मिलती है, 16.1 Nm का टॉर्क मिलता है। इंजन में ट्रांसमिशन आपको सेम हॉर्नेट वाले ही मिलते हैं, 5-speed ट्रांसमिशन। और इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट कैसा है चलिए एक बार सुना देता हूँ। कीमतों की बात करें तो होंडा CB200X की कीमत 1,44,500 रुपये एक्स शोरूम है और देखा जाए तो हॉर्नेट 2.0 के मुकाबले इसकी कीमत करीब 14,000 रुपये ज़्यादा है। अब 14,000 रुपये ज़्यादा है तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें ऑफर भी कर रही है। फर्स्ट राइड रिव्यू आपको जल्द जागरण हाईटेक पर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और आप भी इस वीडियो में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये बाइक कैसी लगी।